बदलने जा रही है आपके ग्रहों की चाल। बुरा असर डालने वाले ग्रह आपके लिए शुभ होने वाले हैं। कुंडली में आपका बुध ग्रह आपको बेइंतहा लाभ पहुंचाने जा रहा है। वृषभ राशि को विराम कर सूर्य मिथुन राशि में जा रहे हैं। सच मानिए, अब जिंदगी में परिवर्तन आना तय है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 9 ग्रह एक निश्चित अंतराल पर अपनी राशि बदलते हैं, जिस कारण सभी जातकों पर शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन जून का महीना आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इसी महीने यानी जून में कई महत्वपूर्ण बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कब कब और किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और वो कौन सी राशि है जिनके लिए जून का महीना विशेष फलदायक साबित होगा। जून के महीने में सबसे पहले बुद्धिवाणी के कारक ग्रह बुध का गोचर होगा। 7 जून को बुध वृषभ राशि में चले जाएंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी की कुंडली में बुध शुभ भाव में होते हैं तो बुध ग्रह ही प्रत्येक व्यक्ति को तेज बुद्धि, अच्छी सफलता और जीवन में मान सम्मान दिलाते हैं। बुध 7 जून 2023 को शाम के 7:40 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य हर महीने में अपनी राशि बदलते हैं। सूर्य के राशि बदलने को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य 15 जून को वृषभ राशि की यात्रा को विराम देते हुए मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, मान सम्मान, नेतृत्व कौशल और धन को प्रदान करने वाला माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर होते हैं उन्हें हमेशा उच्च सफलता मिलती है। बुध ग्रह को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। कन्या राशि में बुध उच्च के और मीन राशि में नीच के होते हैं। सभी 9 ग्रहों में शनि सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं। इस कारण से इसका शुभ और अशुभ प्रभाव जब भी जातकों के ऊपर पड़ता है तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक रहता है। शनिदेव अभी अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान है और 17 जून को कुंभ राशि में वक्रीय हो जाएंगे। 17 जून 2023 को 10:48 पर शनि कुंभ राशि में वक्री चाल से चलेंगे। शनि की टेढ़ी चाल चलने से कुछ राशि के जातकों के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तब इसका अपना कारत्व और प्रभाव कुछ दिनों के लिए मंद पड़ जाता है। मतलब इसका असर जातकों पर बहुत कम हो जाता है। यानी कोई भी ग्रह अस्त अवस्था में अपनी शक्तियां सूर्य के नजदीक जाने पर खो देता है। ऐसे में बुध के अस्त होने पर कुछ राशि वालों के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं रहेगा। जून में ये राशियां रहेंगी भाग्यशाली। जून के महीने में 5 ग्रहों की चाल बदलने से वैसे तो सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की गणना कहती है कि 3 राशि वालों के लिए जून का महीना बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। जून के महीने में वृषभ, सिंह और धनु राशि वालों के भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस महीने करियर में आपको अच्छी सफलता पाने के संकेत मिलने वाले हैं। इन राशि वाले जातकों की नौकरी की तलाश पूरी होगी। नौकरी पेशा जातकों को इस महीने वेतन में वृद्धि और प्रमोशन मिलने के अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। वहीं अगर आप व्यापार में हैं तो इस महीने आपको अच्छा मुनाफा और आपकी डील फाइनल हो सकती है।